हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे लैपटॉप को कवर करने वाला हूं जो कि मैंने इनिशियली स्किप किया हुआ था, और वो इसलिए किया हुआ था, द रीजन बीइंग इज कि जो रोग स्ट्रिक्स G18 है, इसके सिर्फ हायर एंड कॉन्फ़िगरेशन ही जो है इनिशियली लॉन्च हुई थी। लेकिन अब जो है दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इसका जो है आप लोगों को RTX 4060, 4050 और 4070 वाला भी जो है मॉडल देखने को मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, जो i9 HX सीरीज वाला प्रोसेसर है, उसकी जगह आप लोगों को i7 HX वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। नाउ एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि लेट्स प्रे कि ये वाला जो लैपटॉप है दोस्तों, थोड़ा इंडिया में लेट लॉन्च हो, बिकॉज इनिशियल प्राइसिंग ऑफ RTX 40 सीरीज लैपटॉप्स इवन इन इंडिया मीन्स बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस है। तो वो जो है असली औकात पे आ जाए, धरातल पे आ जाए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो लेट्स सी कि ये वाला लैपटॉप जितना लेट इंडिया में लॉन्च हो, उतना ज्यादा आपको जो है कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। इसका एक सबसे बड़ा मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, notebookcheck.net ने जो है एक रिव्यू डाला हुआ है, जहाँ पे i7 HX वाला मॉडल है एंड RTX 4070 है। तो उसकी प्राइसिंग ही लगभग $2300 है। तो इंडिया में करें तो मोटा माटी लगभग 2 लाख के जो है यही आ जाता है, ठीक है। तो 2 लाख का ही ये लैपटॉप है। तो इससे अगर सस्ता भी लोगे RTX 4050 वाला, तो मुझे नहीं लगता 1 लाख का होगा। दैट विल डेफिनेटली एट करंट प्राइसिंग विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1.5 लाख। तो ये था पूरा प्राइसिंग का सिनारियो। और लॉन्च की जहां तक बात है, क्योंकि अभी 14 तारीख को एसूस का लॉन्च इवेंट है, जहां पे ये लोग जेनबुक लॉन्च कर रहे हैं, तो विद इन 3 to 4 वीक्स आप लोगों को और जो है गेमिंग लैपटॉप्स भी जो है एसूस की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें भी रोग स्ट्रिक्स सीरीज अगर लॉन्च करती है एसूस इंडिया में बहुत ही जल्दी, तो उसके साथ भी ये आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन लेट्स प्रे कि ये वाला लैपटॉप जो है लेट यहाँ पे लॉन्च हो। नाउ मैं दोस्तों उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को मैं कवर करने वाला हूँ जो कि मुझे यूनिक लगे, ठीक है। देखिए, यूजुअली ऐसा होता है कि गेमिंग लैपटॉप की एक पर्टिकुलर सीरीज में काफी सारे वेरियंट होते हैं, और जो लोअर एंड वेरियंट होता है ना, वहां पे हार्डवेयर को थोड़ा डाउनग्रेड किया जाता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सीपीयू जीपीयू, बट इन टर्म्स ऑफ बैटरी हो गया, बट इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो कोई भी आप लोगों को जो है डाउनग्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास जो है यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आप लोगों को RTX 4050 वाला जो है वेरिएंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ यूनिक थिंग। लेकिन इसके अंदर जो आप लोगों को स्पेक्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन हो गया, इन टर्म्स ऑफ बैटरी हो गया, वो जो है हूबहू मैच कर रहे हैं आपके हायर एंड वाले मॉडल से, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके स्क्रीन को लेके, जो कि काफी ज्यादा मुझे लगता है सबसे बड़ा हाईलाइट है। नाउ पैनल सप्लायर की मैं बात कर देता हूँ, बिकॉज इट्स ए 18 इंच लैपटॉप। तो पैनल सप्लायर यहाँ पे मैंने सोर्सेस बहुत सारे पढ़े, तो वहां से यही निकल कर आता है कि LG इज सप्लाइंग दीज काइंड ऑफ पैनल्स। एंड जहां तक LG पैनल की बात है दोस्तों, मैं खुद LG का जो है लैपटॉप यूज करता हूँ, तो उसके अंदर LG के पैनल है, तो काफी अच्छे पैनल है, ठीक है, यू कैन ट्रस्ट देम। तो यहाँ पे ये जो पैनल है दोस्तों, डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं, डॉल्बी विजन HDR 500 जो है ये सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम जो है काफी ज्यादा कम मिलने वाला है, रिफ्रेश रेट काफी ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को हाई मिलता है, और 18 इंच के हिसाब से स्टिल आई विल थिंक कि 4K जो हो जाता है 18 इंच में काफी ज्यादा है, बैटरी कंजप्शन भी करता है। एंड दे हैव इंटेलिजेंटली चोजन QHD प्लस पैनल 16:10 वाला है। तो 17 इंच वाला जो मेरा लैपटॉप है दोस्तों, उसके अंदर 16:10 क्वाड HD होना, ठीक है, क्वाड HD प्लस होना, ये एक बहुत ही क्रिस्प डिस्प्ले आप लोगों को देता है। मीन्स एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां पे बैटरी कंजप्शन भी ज्यादा नहीं है, और आपको जो है क्रिस्पनेस भी जो है वीडियो की यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 100% DCI-P3 कलर वॉल्यूम है। और जहां तक मैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूं, तो आप लोगों को मोस्ट लाइकली यहाँ पे 1500:1 जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। नाउ बिलीव मी गाइस, कि ऐसे लैपटॉप को बेचना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज स्पेशली ये प्राइजियर भी है, आप अकेले गेमिंग लैपटॉप बोल के जो है इस लैपटॉप को बेच नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एसूस की तरफ से कोशिश की गई है कि इसे जो है कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप्स को भी जो है थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर सकें, जो कि थोड़ा हैवी वर्क फ्लो में रहते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल रील्स एडिट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल वीडियोज एडिट करने की बात कर रहा हूँ, तो वो भी जो है आराम से यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ स्क्रीन एंड द क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर इज सो ग्रेट हियर, कंसिडरिंग अगर आप लोग क्रिएटिव वर्क फ्लो भी है आप लोगों का, तो वो भी आप लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं, जो कि मैं आजकल बहुत कम कवर करता हूं, लेकिन जब भी मुझे थोड़ी बड़ी बैटरी पैक दिखाई देती है दोस्तों, मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं, बिकॉज इट्स ए 90 वॉट आवर बैटरी इवन इन RTX 4050 मॉडल्स, जो कि एक अच्छी चीज है। इन लोगों ने इसको डाउनग्रेड नहीं किया हुआ है। देखो, बैटरी यार ऑप्टिमाइज कितनी भी कर लो, अल्टीमेटली जैसे कि खाना आपने खाया है तो आपको भूख नहीं लगेगी, द सेम थिंग इज लाइक दैट विद द बैटरी ऑल्सो। बैटरी पैक आप लोगों का बड़ा है, तो उतना ज्यादा जो है वो आप लोगों को लॉन्ग लास्ट करेगा, अलॉन्ग विद द लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन विच कंपनीज डू। वेंटिंग की बात कर लेते हैं, because this laptop definitely एक gaming centric laptop है। तो दोस्तों venting की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 7 जो है आप लोगों को heat pipes देखने को मिलते हैं, और जो fans हैं, ठीक है,
वो तीन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सो कूलिंग जो है एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे की गई है। इवन वेंटिंग आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों तो पीछे से, साइड से, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, नीचे से, सब जगह से जो है आप लोगों को ज्यादातर जो है वेंटिंग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वेल 18 इंच जो लैपटॉप है, स्क्रीन साइज है, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने 17 इंच वाला लैपटॉप यूज करना चालू किया, इनिशियली आई थॉट कि यार काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट बिलीव मी गाइस, एक बार आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी की बड़ी स्क्रीन पे काम करना चालू कर दिया ना, आप लोगों को वो 14 इंच, वो 13.3 इंच वाली जो है स्क्रीन मच्छर देखने लगेगी, ठीक है, वो काफी ज्यादा छोटी देखने को लगेगी। और क्योंकि होता यह है कि आजकल लोगों का काम लैपटॉप पे काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं दोस्तों लैपटॉप पे लोग ज्यादा टाइम बैठते हैं। 14 इंच, 13 इंच वाले लैपटॉप में जो है आप लोगों को आई स्ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेस करना पड़ सकता है इन्हें लॉन्ग रन। डेफिनेटली उनका एक एडवांटेज है दोस्तों कि 14 इंच वाले लैपटॉप जो है आप लोग कहीं भी रख सकते हैं, यू आर मीन्स कहीं भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। लेकिन आजकल की आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज सुपर नैरो बेजल्स, तीनों सर्फ से जो है आप लोगों को इनका जो है नैरो बेजल देखने को मिलेगा। और मैं लेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके लेंथ पे, तो लेंथ जो है अराउंड यहाँ पे दोस्तों इस लैपटॉप की आप लोग 40 सेंटीमीटर देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके जो है हम लोग चेकबॉक्स हटा देते हैं तो आप लोगों की जो है इस लैपटॉप की एक्चुअल लेंथ एंड विड्थ जो है पता लग जाएगी। तो 399 mm आप लोगों को जो यहाँ पे लेंथ मिलेगी और उसकी जो हाइट मिलेगी दोस्तों 294 mm। तो आप लोग जो है स्केल से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये वाला लैपटॉप जो है कितना बड़ा हो जाएगा, और जहां तक मुझे लगता है बैग में बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज इसका जो 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है उसमें आप लोगों को बेनिफिट यही मिलता है कि आप जो है उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं स्क्रीन की, तो ये एक अच्छी चीज निकल कर आती है। बात करते हैं दोस्तों टीजीपी वैल्यू ऑफ द ग्राफिक कार्ड, ठीक है, नाउ आरटीएक्स 4080, 4070, 4060 को स्किप कर दो, ठीक है, बिकॉज अगर आरटीएक्स 4050 में आप लोगों को अच्छी टीजीपी मिल रही है तो नेचुरली आप लोगों को हर जगह पे टीजीपी वैल्यू अच्छी देखने को मिलेगी। तो फुल फैट, कोई कंजूसी यहाँ पे नहीं की है दोस्तों इन लोगों ने, 115 वॉट की जो है टीजीपी वैल्यू निकल कर आती है, 115 + 25 वॉट बूस्ट, तो ओवरऑल 140 वॉट जो है यहाँ पे आरटीएक्स 4050 आप लोगों को देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं अच्छी आपको जो है परफॉर्मेंस मिलने वाली है। नाउ बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट सिचुएशन की, जो कि मैं स्किप इसलिए कर देता हूं बिकॉज इट्स द सेम स्टोरी, लेकिन यहां पे पोर्ट सिचुएशन को दोस्तों स्किप करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। द रीजन बीइंग इज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पोर्ट्स कम है, पोर्ट्स ज्यादा और भी लैपटॉप्स में है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ पोर्ट्स विच दे आर ऑफरिंग यू, इसमें दो टाइप सी पोर्ट है, ठीक है, दोनों के दोनों यूएसबी टाइप सी 3.2 Gen 2 पोर्ट है, यानी 10 Gbps वाले पोर्ट आप लोगों को यहाँ पे दोनों टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके अंदर दो टाइप ए पोर्ट है, दोनों के दोनों 3.2 Gen 2 है, ठीक है, यानी आप जो है किसी में भी प्लग इन करें, आपका जो अगर सामने वाला हार्डवेयर है तो आपको रीडिंग राइटिंग स्पीड जो है दोस्तों यहाँ पे कमाल की देखने को मिलने वाली है। मेक श्योर कि आपकी जो केबल हो वो भी कंपेटेबल हो, ऐसा नहीं है कि जो केबल है वो यूएसबी 2 स्टैंडर्ड वाली आप लोग लेके बैठ गए तो स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये एक हैवी वर्क फ्लो के लिए जो है कहीं ना कहीं अच्छी चीज निकल कर आती है। इसके अंदर जो HDMI है, ठीक है, इसके अंदर जो HDMI है दैट इज HDMI 2.1, तो भाई इस लैपटॉप की कॉस्ट को जो है ये सारी चीजें दोस्तों जस्टिफाई करती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन सब चीजों के दोस्तों पैसे लगते हैं, रॉयल्टी पैसे लगते हैं, तो एक पोर्ट में डालने के जाहिर सी बात है थोड़े कम लगेंगे, लेकिन आप ऐसे चार चार पोर्ट में इतना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड डाल दोगे तो उसकी डेफिनेटली दोस्तों कॉस्ट जो है वहां से बढ़ जाती है। तो अगर ये लैपटॉप आपको थोड़ा महंगा भी लगे तो इस बात को जो है पचा लेना कि भाई पोर्ट स्टैंडर्ड इस लैपटॉप का काफी ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं साउंड की, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉल्बी एटमॉस का जो है सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, 5.1.2 वर्चुअल सराउंड जो है चैनल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्योंकि ये लैपटॉप बड़ा देखने को मिल रहा है तो साउंड सिस्टम भी उसी हिसाब से आपको बड़ा देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है इस लैपटॉप के बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।